कंसीव करना औलाद का हुसूल ये एक नेचुरल ख्वाहिश होती है शादीशुदा हजरात की और ख्वातीन की। सबसे पहला हमेशा इसका बायोलॉजिकल एड्रेस होता है कि आपको बायोलॉजिकली चेक करना है दोनों को, जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो खातून को और यूरोलॉजिस्ट मोस्ट आइडियली जो है वो मर्द को चेक करता है, जिसको हम प्लम्बिंग सिस्टम कहते हैं कि क्या ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है कंसीव करने का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये सब सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये सही काम कर रहा है चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो फिर डेफिनेटली जो एक ही चीज़ रहती है वो साइकोलॉजिकल है, वो स्ट्रेस है, वो प्रेशर है, वो बिलीव्स हैं, वो गिल्ट्स हैं, वो शेम है, वो फियर्स हैं, वो फोबियाज हैं, सो एन एंड सो फोर्थ। इसीलिए यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट हमें ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक के ऊपर बहुत सारे केसेस को जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, जो ये कहते हैं कि जनाब फिजिकल इशू नहीं है, सो व्हाट एल्स रिमेनिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल इशू। और हमने ये देखा है कि बड़ा मेजर पार्ट होता है कि अगर फिजिकल इशूज़ जो है वो नहीं है, तो फिर फॉर श्योर वो जो आपके साइकोलॉजिकल इशूज़ होते हैं उनको एड्रेस करने से अल्लाह तबारक व ताला जो है वो औलाद की नेमत से नवाजता है।